गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। गणेश भगवान की जय। संतोषी माता की जय। माँ संतोषी भक्तों को देती है अभय वरदान, देती है धन धान्य, सभी प्रकार के सुख रोग शोक से मुक्ति। बस उनकी पूजा श्रद्धा से, भाव से, विधि विधान से कर ले कोई प्राणी तो निश्चित ही सुखी हो जाता है। परंतु उनकी पूजा की विधि है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शुक्रवार को उठना चाहिए। उठने के पश्चात बिना किसी के मुख देखे अपने हाथ को देखना चाहिए और ये मंत्र पढ़ना चाहिए। ना मंत्र याद हो तो अपने हाथ में भगवान का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकाल जब उठे तो अपने हाथ में लक्ष्मी का, मध्य में सरस्वती का और नीचे सबसे भगवान का, गोविंद का, नारायण का ध्यान करें। उसके पश्चात जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें कि हे विष्णु पत्नी, हे माँ धरती, आपने संपूर्ण धरती पर नदी नाले मनुष्य पशु पक्षी सभी को धारण कर रखा है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमे। हे माता धरती, आपको बारंबार प्रणाम है, मैं चरण रख रहा हूँ, रख रही हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करना। उसके पश्चात घर में इत्यादि सफाई जो भी हो कर लें, फिर स्नान के पश्चात पूजा घर की सफाई करें और श्रद्धा भक्ति भाव से माँ के लिए रोली है, चंदन है, लाल रंग के पुष्प हैं, उनका चित्र है, रोली है, प्रसाद में फल भी हो सकता है लेकिन खट्टा ना हो, जैसे केला आदि हो सकता है, और चना गुड़ का विशेष प्रसाद होता है, हलवा भी बना करके किशमिश इत्यादि ना डालें तो वितरित कर सकते हैं। आरती जो दीपक हो, कथा जब पढ़े माता संतोषी की, तो आरती में इतना घी डाल दें दीपक में कि वो कथा पूरी होने तक आरती भी हो जाए, और आरती कपूर की करें। आरती वो घी की बत्ती रखी रहने दें वहीं पर और कपूर की आरती करें। कलश जो रखें उसमें गंगा जल भी थोड़ा सा डालें और उसमें आप कोई इत्र वगैरह भी डाल सकते हैं जो आपके पास हो, नहीं तो कम से कम आप गंगा जल ज़रूर डालें। और गंगा जल डालकर उसके ऊपर कटोरा भर करके चावल आदि जो भी हो रखें, गुड़ चने का प्रसाद रख लें और दीपक जला लें, माँ को रोली लगाएं, पुष्पम समर्पयामी, पुष्प लाल रंग का चढ़ाएं नहीं तो पीला या जो भी हो, और साथ ही साथ माता की फिर कथा पढ़ें, सुनें और सुनाएं। इसके बाद माँ को दंडवत आरती इत्यादि करके दंडवत प्रणाम करें। माता की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा अगर आपके घर में मंदिर बना है, पूरा घूम सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पर खड़े हैं वहीं माँ की परिक्रमा धीरे धीरे कर लें। उसके पश्चात सभी को माता का भोग लगाकर घर में सभी लोग जो भी उपस्थित हो उनको गुड़ चने का प्रसाद दें, खट्टा ना खाएं ना खिलाएं, सभी का सम्मान करें, नियम धर्म का पालन करें, संकल्प के साथ इस व्रत को करें। कम से कम 16 शुक्रवार का व्रत होना चाहिए और 16 शुक्रवार के बाद में
जब आप उद्यापन करें, 8 बच्चों को, लड़कों को ब्राह्मण के भोजन कराएं और साथ ही साथ में उन्हें कोई गिफ्ट उपहार दे सके तो ठीक है। 1-2 कन्या सुहागिन को भी निमंत्रण जरूर दें। और जब सब पूरा हो जाए तो सभी को एक नारियल माता को चढ़ा करके और वो उद्यापन में जरूर फोड़ना चाहिए और वो प्रसाद भी सभी को वितरित करना चाहिए। उद्यापन में 10-5 मिनट या आप प्रतिदिन के शुक्रवार में जय संतोषी माता का कोई भी कीर्तन जो भी आप सुनते हैं वो आप कर सकते हैं। और आरती भी माँ की ज़रूर करें। आरती करने की जो माता की विधि है वो हम आपको बता देते हैं। वैसे तो आरती लोग कई प्रकार से करते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन जो विधि शास्त्रीय है वो 4 बार माँ के चरणों में आरती करना चाहिए, 2 बार उनके हृदय में, 1 बार उनके मुंह में तथा 7 बार पूरे विग्रह की आरती उतारना चाहिए। आरती के पश्चात जल से शीतल करना चाहिए और माँ को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से अगर आप व्रत करते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, साथ ही साथ सबसे पहले जो पूजा की बात उसमें गणेश भगवान की पूजा करें, गणेश जी को दूर्वा 21 चढ़ाएं कम से कम और वो 12 अंगुल की हो, 3 गांठें हो तो अति उत्तम है। सिंदूर लगाएं, 5 सुपारी, लौंग, इलायची भी चढ़ा दें। आप ये इस तरह से पूजा विधि विधान से करेंगे तो निश्चित ही माता संतोषी आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। और शुक्रवार के दिन आप व्रत करते हैं माता संतोषी का या कर चुके हैं, अब नहीं करते हैं, तो भी थोड़ी पूजा आप कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले किसी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए तो वो गणेश भगवान है। गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं और उन्हीं की पुत्री मानी जाती हैं माता संतोषी। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन भगवान शिव का भी अभिषेक करना ना भूलें। भगवान शिव माता संतोषी के पिता गणपति और गणपति के पिता हैं गौरी शंकर। भगवान की माता हैं गौरी, पिता हैं भगवान, देवों के देव भगवान महादेव महाकाल। तो जरूर ही महाकाल का अभिषेक करें। अपने घर में एक शिवलिंग छोटा सा रखें, स्नान दूध दही घी शहद आदि से करा करके जल और उसके बाद बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं। थोड़ा सा बिना टूटा हुआ चावल चढ़ा दें, इससे आपके घर में लक्ष्मी आगमन शुरू होगा। और साथ ही साथ में और जो आपके पास हो भोग नैवेद्य आरती उनकी भी करें और साथ ही साथ जो भी आपके घर में लक्ष्मी नारायण भगवान है उनका भी आरती उतार लें। ऐसा ना करें कि केवल माँ संतोषी का करें, क्योंकि आपके पूजा घर में जो देवी देवता हैं उनका भी श्रद्धा भक्ति भाव से आप पूजन करें तभी आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। क्योंकि माँ का स्वरूप एक है, जगदम्बा है, जगत जननी है, पराम्बा है, संतोषी है। भेदभाव नहीं करना है आपको, केवल श्रद्धा भक्ति भाव और माता का नाम लेते जाना है। इससे माता संतोषी आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव की बढ़ोतरी करेंगी। और जिस कामना के लिए आप पहला दिन जब आप शुक्रवार का व्रत प्रारंभ करें तो आप उस संकल्प को जिसके निमित्त आप व्रत कर रहे हैं वो किसी से बताएं ना, वो गुप्त रखें। किसी के बताने से कोई भी चीज़, आप व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, नियम धर्म कर रहे हैं, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि योग युक्ति पूजा भजन पाठ इनका फल तभी मिलता है जब छुपा कर किया जाए। और अगर आप बता कर करते हैं कि हमने इतनी माला की, इतनी बार नाम लिया, हमने ये किया, हमने वो किया, तो इस तरह से अगर आप बताते रहते हैं तो फिर उसका फल वितरित हो जाता है, जिसको बताते हैं उसको भी वह फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये प्रयास अवश्य करें कि उस संकल्प को जिसके निमित्त आप व्रत कर रहे हैं उसको जरूर आप छिपा कर रखें तो निश्चित ही आपको फल प्राप्त होगा। उद्यापन के दिन अपने दक्षिण दिशा में घर पर आप झंडा लगाएं और नहीं तो जहां भी आपके घर में जगह हो छत के ऊपर उद्यापन जब करें या प्रारंभ करें तो झंडा लगा दें। झंडे में श्री हनुमान जी महाराज हूँ वो आपके घर की रक्षा करेंगे, क्योंकि हनुमान जी जो है उनका हर जगह प्रवेश माना जाता है और कलयुग में वो साक्षात इस धरती पर विराजमान देवता हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और इस तरह से आप भेदभाव ईर्ष्या कपट झूठ त्याग करके ये व्रत करें और श्रद्धा भक्ति भाव से करते रहें जब तक कि आपका
कार्य पूर्ण ना हो, और इस तरह से आप माता का नाम, माता का व्रत करते रहेंगे तो माता ज़रूर फल देंगी। और अंत में जब आप ये सब चीज़ें पूजा पाठ वगैरह जो आप करना है कर लीजिए, उसके बाद में ये मंत्र ज़रूर पढ़िए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। इन मंत्रों को पढ़ करके फिर जयकारा लगाएं, बोलो संतोषी माता की जय, उमापति महादेव की जय, गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।